हो, आगे की लाइट देखो, क्या बात है, हमारे देश की शान। इसको थोड़ा ऑक्सीजन लेवल कम लग रहा है, थोड़ा या ज्यादा? ज्यादा ही था, कितना आया था? 67 था। 67 आया था सच में? इनको सिखाना पड़ेगा, जैसे कैमरा लाए ना आपकी तरफ खाते हुए, तो आपको बस एक्टिंग करनी है, आपको पता ही नहीं होना चाहिए कैमरा आपको देख रहा है, वो एक्टिंग करो। दोबारा करके दिखाओ, फिर देख रहे हो कैमरे में? नहीं, कैमरे में नहीं देखना, एक्टिंग करनी है। किस चीज की? खाना खा रहे हो, आपको पता ही नहीं कैमरा आपको देख रहा है। हाँ, ये okay. ये वाला शॉट चाहिए था। खाना खा रहे, गाना नहीं गा रहे। अभी थोड़ा ट्रेनिंग पीरियड में है ना, हो जाएंगे। परफेक्ट, सलीम कर रहा आराम, हम चलेंगे बाहर। आओ बाहर का नजारा दिखाए। ओह हो 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 हो, वीरे कहाँ आ गए हम? सरचू सरचू सरचू, इसको सरचू की जगह जन्नत ना दे दे नाम। जन्नत तो आगे है ना। अच्छा जन्नत आगे है, ये सारी जगह जन्नत है जहाँ हम ट्रैवल कर रहे हैं ना। तो होप करते हैं आपने इससे पिछले वाला व्लॉग देख लिया होगा, ये उसका सेकंड पार्ट है, वो लंबा हो गया था इसलिए हमने दो पार्ट बना दिए। और प्लान यही है, यहाँ से पहुँचना हमको ले, टाइम हो चुका करीबन करीबन डेढ़, पहुँचने में लेंगे 6 घंटे जो गूगल मैप बता रहा है, लेकिन हम जो बता रहे हैं वो है 9 या 10 घंटे, बिकॉज आगे जितने पॉइंट आएंगे टांग लांगला पांगला चांगला मांगला हांगला फांगला सब पे रुकते हुए जाएंगे। तो छोटों को हेलो तो कर, और छोटों को हेलो हमने करना। तो गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, सत श्री अकाल, नमस्ते, बड़ों को प्यारी प्यार, छोटों को हेलो। टैंक बैग का यही फायदा होता है, सारी बैटरी वैटरी सब कुछ इसके अंदर ही आता है। कैमरा भी टैंक बैग में रखता है? अरे हाँ यार, मैं तो भूल ही गया, कैमरा रखा ही नहीं, वो भी रेडी है। एक चीज़ आपको और बता दूँ, तुम्हारे भाई ने यहाँ से एक और टोपी खरीदी है, मतलब कलेक्शन में एक और जुड़ गई है, पहले 15-16 लेकिन एक और आ गई है, कलर अच्छा लगता है ना तो ले डालने का। ये देखो, ओ भाई, ये बाइक वहाँ से आ रही है जहाँ हम जा रहे हैं, और अभी आपको दिखेगा हम कहाँ जा रहे हैं। तो अभी हमारी बाइक की हालत देख लो, एकदम क्लियर नज़र आ रही है, थोड़े टाइम बाद दिखाऊंगा, मुश्किल से 15 किलोमीटर बाद दोबारा दिखाऊंगा क्या हालत हो जाएगी इसकी। तो ये पूरा का पूरा सरचू है, इसको डेथ वैली भी कहा जाता है, बिकॉज यहाँ पर ऑक्सीजन लेवल बहुत कम रहता है, आप हल्की सी एक्टिविटी करते हैं, कुछ भी करते हैं, व्लॉग बनाते बनाते हमें सांस चढ़ रहा था, बात कर रहे हैं बात करते करते सांस चढ़ रहा है, बाकी अभी धूल उड़ाने का टाइम। ओहो, ये क्या है भाई, समझ नहीं आ रहा भाई निकलना कहाँ से है, अरे कुछ आगे नजर ही नहीं आ रहा, जाऊं कहाँ। सच्ची में अब तो वाटर क्रॉसिंग भी छोटी लग रही है, मतलब इसके सामने हमें लग रहा था वाटर क्रॉसिंग से ज्यादा खतरनाक कुछ भी नहीं है, लेकिन भाई ये चीज है खतरनाक, बाइक ऐसे झूम रही है। रोकना पड़ेगा भाई, रोकना पड़ेगा, कि सच में कुछ नजर नहीं आ रहा। तो एक बार पीछे का हाल देखो, पता नहीं गोप्रो में मिट्टी ना आ गई हो, कहां से आया हूं और कहां को जाना है कोई मुझे बता दे, सच बता रहा हूं, मेरे को मेरे तीनों साथी नजर नहीं आ रहे, और मुझे ये भी नहीं पता मैं गलत जा रहा हूं सही जा रहा हूं, मतलब ऐसा लग रहा है आगे जाके एकदम से खाई मिलेगी और मैं खाई के अंदर। ये देखो, ऐसी खाई की बात कर रहा था वो। हाँ, इसी की बात कर रहा था कि धूल इतनी उड़ रही है, पता चले वहाँ से आते आते इसके अंदर चला गया, और यहाँ से बाइक निकलेगी भी नहीं जब तक क्रेन नहीं आएगी, तो बहुत ज़्यादा देख के संभल के चलाना पड़ेगा। फाइनली चारों राइडर मिल चुके हैं, धूल में तो ऐसा लग रहा था एक आधा गायब भी हो जाएगा। इमरान भाई नालू का है यहाँ पर, देख रहे हो हालत, वो देखो अभी तो हो रहा है आगे ऐसा रास्ता, चलो मौज मारेंगे, यही तो एडवेंचर है। तो अभी यहाँ पर काम चालू है, हो सकता है आने वाले टाइम में ठीक हो जाएगा, लेकिन इसको टाइम लगने वाला है, बिकॉज बहुत बड़ा पैच है, कम से कम 2 साल तो इसको लगेंगे ठीक होने में। ओहो हो, ये क्या देख रहा हूँ मैं, वो रोड आ गई है, रोड, लेकिन ये ज़्यादा लंबी रोड नहीं है, यहाँ से शुरू और यहाँ पर ख़त्म है, सही है, मज़ेदार था भाई जो भी था।
ये भाई साहब ब्रिज देखो, ट्रक निकल रहा है ऊपर से, ऐसे ऐसे हिल रहा है, पूरा लकड़ी वाला ब्रिज है। तो ये कुछ अपना हाल है, बड़ा बुरा हाल है, बड़ा बुरा हाल है। ये देखो जूते, ये जूता है जापानी, मैं हूँ हिंदुस्तानी, सर पे लाल टोपी मेरे फिर भी कहते हिंदुस्तानी। सही है यार, ये जो एक्सपीरियंस था ना अलग लेवल का था। क्यों भाई, इतनी मिट्टी में मैंने आज तक नहीं चलाई। भाई की एक बार शक्ल देखो, आपने शीशा बंद नहीं करा हुआ था? मैंने करा भी था, थोड़ी देर के लिए घबराहट हुई थी फिर खोल दिया। ये देखो भाई मिट्टी मिट्टी पूरी मिट्टी होगी, पूरी मिट्टी हो रही है। मैं पानी के पास रुका इसलिए था कि हेलमेट उतार के मुंह धो लूं, फिर मैंने कहा नहीं यार और मिट्टी होगी, आगे जाके धोएंगे। ठीक है यार, देखो लाइफ में अलग अलग एक्सपीरियंस मिलता रहता है, और मैं तो कहता हूँ आगे और भी ऐसा एक्सपीरियंस मिले, कुछ ना कुछ खतरनाक करने को मिलता रहे, यही मेरा मोटो है। तुम्हें तो पता ही यार, तुम्हारा भाई खतरों का खिलाड़ी है ना भाई। और ये हमारे कैमरामैन थे आज के, कैसे हो? ठीक है। यहाँ पर काम करते हो? कितना टाइम हो गया काम करते हुए? 3 महीने। 3 महीने ऐसी धूल मिट्टी उड़ती रहती है यहाँ पर? अरे बाबा ये क्या हो गया? हो गया भाई, ये लो आपस में बांट लेना। ठीक है, यहाँ किसी जमाने में सारा पानी पानी होता होगा, अभी धीरे धीरे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, पानी गायब हो रहा है, बर्फ पिघल रही है, धूप ही धूप मिलती है सब जगह। घाटा लूप स्टार्ट, टोटल 21 लूप्स हैं, ऐसे 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 जैसे हेयर पिन नहीं होती ऐसे करके, वैसे 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 टोटल 21 लूप्स हैं। और एक घाटा लूप की स्टोरी भी है, जब वो पॉइंट आएगा ना जहाँ की स्टोरी है फिर बताऊंगा क्या है। अपने फ़ोन की हालत भी कुछ ऐसी हो गई है, ये देखो ये 360 कैमरा की हालत है। ये देख रहे हो यहाँ से ये लूप क्लियर दिखाई दे रहे हैं, वो एक मोड़, फिर नीचे 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 नीचे, रोड बहुत छोटी है, सामने से भी ट्रक आ रहा है, ओहो गहराई देखो, और यहाँ से भी ट्रक है, निकलने की जगह नहीं है। और इस ट्रक के पीछे ट्रक 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 ट्रक, बहुत सारी गाड़ियाँ भी हैं नीचे से देखा था मैंने। ऐसा लग रहा है पता नहीं कितने ज़्यादा टॉप पर आ गए हैं, सारे पहाड़ हमसे छोटे लग रहे हैं। तो ये बॉटल्स देख रहे हो आप, यहीं की वो स्टोरी है जो मैं आपको बताना चाह रहा था। 2 मिनट में बताता हूँ शॉर्ट में स्टोरी क्या थी। इन घाटा लूप्स पे एक बंदे की डेथ हो गई थी, बिकॉज उसको पानी नहीं मिल पाया था। तो अभी यहाँ से जितने बंदे निकलते हैं यहाँ पर पानी की बोतल छोड़ते हुए जाते हैं। अब बहुत सारी पानी की बोतल हो गई हैं, तो बस मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा और मत छोड़ो, मतलब बहुत ज़्यादा ढेर लगा हुआ है। स्टोरी में आपको इसलिए बता रहा था ताकि आप लोगों को पता हो कि इतनी सारी बोतल्स यहाँ पर क्यों हैं। बस यही थी छोटी सी कहानी, जेट प्रभजोत की ज़ुबानी। अभी रास्ता है बहुत लंबा, बाइक है हमको थोड़ी तेज़ चलानी। क्या बात है, क्या मस्त लग रहा है ना ये वाला पहाड़। पांग अभी भी 37 किलोमीटर है, उसके बाद उपसी आएगा, फिर जाके ले आएगा। हियर वी आर एट नकीला टॉप, 15,547 फीट। क्या बात है, आप लोग कहाँ से हैं? उपसी से ही हैं? वाह, दिखाएंगे एक बारी। क्या बात है, हमारे देश की शान, BRO मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। क्या बात है, और हवा इतनी तेज़ चल रही है ना यहाँ पर मैं बता नहीं सकता। अगर आपको ये फ्लैग दिख रहे हैं उड़ते हुए तो इसको देख के आप अंदाज़ा लगा सकते हो कितनी तेज़ हवा चल रही होगी। भाई साहब इस गाड़ी का हाल देखो, लग ही नहीं रही है सफ़ेद रंग की गाड़ी थी। रोड बिल्कुल छोटी सी है और आगे को ट्रक अटक गया। आ जाऊँ? ओ वाह 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 वाह, निकलेगी क्या? देखना कहीं पैनी रटक जाए। बच गया भाई, निकल गया। सही है, ऐसी रोड पे बाइक चला के लगता है कि हाँ अपने को थोड़ी बहुत बाइक चलानी आ गई है। ये तो नहीं कहूँगा मैं एकदम प्रोफेशनल हो गया, बहुत बढ़िया बाइक चलानी आती है। कभी भी अपने आप को खलीफा मत समझो, जिस दिन अपने आप को खलीफा समझोगे ना सर के बल गिरोगे। इसलिए मैं कहता हूँ मेरे को थोड़ी बहुत बाइक चलानी आ गई है। तो अभी का सीन क्या है ना, एक रोड जा रही है वो वाली मेन जो बहुत ईजी है, और एक सामने जा रहा शॉर्टकट जो देखने में इतना ख़तरनाक लग रहा है मैं क्या बताऊँ। मतलब सीधा ऊपर चढ़ रहा और मिट्टी वाली रोड है। पहले मैं सोचा था शॉर्टकट नहीं लेता बिकॉज बाइक इतनी हैवी, ऊपर से मेरे पास पैनियर है, पहले इसको एंड्यूरो मोड पे डाल दूँ। आगे जाके अगर मेरे को सही लगेगा तो इस रोड से ऊपर जाऊँगा, नहीं सही लगेगा तब भी इस रोड से ऊपर जाऊँगा। भाई रिस्क नहीं लिया तो काय का एडवेंचर।
क्या बात है, ऐसी चीजों में ना मजा ही अलग आता है। आई डोंट नो कैमरे में नजर आएगी नहीं आएगी, लेकिन हल्की हल्की स्नोफॉल हो रही है, छोटे छोटे से दाने गिर रहे हैं बर्फ के। सो हियर वी आर एट ला चुंगला पास, 16,616 फीट। क्या बात है, पानी देखो कितना साफ है, मतलब नीचे का एक पत्थर साफ दिखाई दे रहा है। कहाँ अभी ऊंचाइयों पे घूम रहे थे, कहाँ ऐसा लग रहा है बिल्कुल जमीन पे घूम रहे हैं। पानी हमारे साथ साथ चल रहा है, पहाड़ भी छोटे छोटे से हो गए हैं, वो सामने वाला बड़ा है लेकिन ये जो साथ वाले ये छोटे छोटे से हैं। मतलब हर मोड़ पे आपको कुछ ना कुछ अलग देखने को मिलता है। कैसे हो? मैं बढ़िया एकदम एकदम बढ़िया। पाइप ले आए पेट्रोल निकालने? पाइप ले आए जी, अभी इमरान भाई के बाइक में डालते पेट्रोल। तो अभी क्या सीन है ना, सबसे ज्यादा गुस्सा आ रहा है मेरे को गोप्रो पे भाई। जब कोई बढ़िया सीन आता है ना, ऑन करो हैंग हो जाता है। अरे मेरा चला ही नहीं भाई, 100% इसका तो 100% बैटरी, 2 मिनट चलता है बैटरी सीधा 0%, उसके बाद चला ही नहीं, वो ऑन ही नहीं हुआ। उसके बाद ऑन ही नहीं हुआ, मेरे को ऐसा लग रहा है यार ये मिस हो रहा है, ये मिस हो रहा है, क्या दिखाऊं। अभी हम पांग पहुंच चुके हैं, यहाँ पर मैगी बनवाई है, थोड़ा बहुत खाएंगे पियेंगे और निकलेंगे यहाँ से। 3 घंटे कितना टाइम लगेगा भाई जी यहाँ से? यहाँ से अपने को लगेगा 3 घंटे। 3 घंटे लगेंगे और रोड साफ है अब एकदम, मक्खन रोड मक्खन, 3 घंटे और गायब। और अपनी बाइक का हाल देखो कैसे क्या हो गया है। हाँ बहुत बढ़िया, पी गया मैं। हाँ कोई नहीं, आया है हाय। एक बारी मैं भी पी गया था पेट्रोल, बड़ा ना जलन हो जाती है, मुंह पूरा जल जाता है। इनका जो पेट्रोल है वो सारा का सारा स्कॉर्पियो में रह गया। स्कॉर्पियो आज पता नहीं वहाँ से निकली या नहीं निकली, कोई नेटवर्क नहीं आ रहा। 3 बजे अगर हो सकता है निकल गई होगी तो रात तक तो नहीं, सुबह ही पहुँचेगी हमारे पास। अगर नहीं निकली हुई कल सुबह 6 बजे निकलेगी, रात को 9 बजे पहुँचेगी। पहले मेरा मन हो रहा था दाल चावल खाने का, लेकिन पीछे जहाँ सरचू में रुके थे ना वहाँ दाल चावल ऑलरेडी खाए थे, फिर मैंने सोचा मैगी खा लेते हैं, भूख लग रही बड़ी तेज। एक मैगी खाऊंगा, सोच रहा हूँ एक आधा पराठा खाऊंगा, फिर उसके बाद गोली हो जाऊंगा। भाई साहब इसके ग्लव्स कोई और पहन गया और अपने छोड़ गया। चलो ये तो ठीक है, तेरे लिए कोई छोड़ गया, और सलीम के ग्लव्स तो कोई पहन के चला गया, सरचू में मिला ही नहीं उसके बाद। नहीं मिले ना, अभी ठीक है। चल अब आगे टांग लांग लाएगा, सलीम नहीं रुकने वाला, मैं रुक के एक आधा शॉट ले लूँगा वहाँ पर। इसको थोड़ा ऑक्सीजन लेवल कम लग रहा था, थोड़ा या ज़्यादा? ज़्यादा ही था दोस्त, ज़्यादा ही था। कितना आया था? 67 आया था सच में? हाँ। अरे बाबा, चल भाई चल बाइक स्टार्ट कर फिर। भैया हमको थोड़ी जगह दे दो। नहीं दोगे कोई बात नहीं। जो पांग से लेकर रास्ता है ना वो 3 घंटे का, और रोड एक नंबर है, एक नंबर। चलो सिंगे भाई, इसे कहते हैं ब्यूटी। मतलब यार कितना ही सुंदर लग रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे कोई सीनरी बनी हुई देख रहा हूँ, रियल तो है ही नहीं। भाई साहब ऐसे सुंदर पहाड़ आपको कहीं देखने को नहीं मिलने वाले, कहीं भी आप चले जाओ इतने सुंदर। और हल्की हल्की धूप पड़ रही है, बादलों की परछाई पड़ रही है पहाड़ पे, मतलब एक नंबर कहते हैं ना, उससे भी कोई नंबर होता है वो नंबर दे दो इनको। हमने बादल देख रहे हो, बादलों के बीच में सूरज है, सूरज की किरणें बाहर आ रही हैं, बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा है। और ये देखो यार, एक फ़ोटो तो बनती है यहाँ पर, कितना ही प्यारा लग रहा है। फटाफट से खींचेंगे और गायब हो जाएंगे। टाइम ऑलरेडी 6:45 हो चुके हैं, यहाँ से अभी 2.25 घंटे का रास्ता और है। फोटो फोटो यहाँ से टांग लांगला अभी भी 10 किलोमीटर है, और टेम्परेचर 6 डिग्री सेल्सियस हो चुका है। इतनी ज़्यादा ठंडी हवा चल रही है ना, इतनी ज़्यादा कपकपी वाली होती है ना वो। अंदर मैंने वार्मर पहन रखा, उसके ऊपर एक टी शर्ट, उसके ऊपर स्वेटर, उसके ऊपर राइडिंग जैकेट। अरे बाबा स्नोफॉल चालू हो गई है, ये क्या रेनकोट पहन रहे हो? टेम्परेचर 5 डिग्री सेल्सियस। ओहो कितनी बढ़िया लग रही है स्नोफॉल, पता नहीं कैमरे में नज़र आ रही होगी नहीं आ रही होगी। बस ये देखो 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 देखो, ऊपर करो, तुम्हारी जैकेट में बर्फ़ चिपक रही है। सिंगा भाई दूसरा हाथ घुसाना मेरा। चल दूसरी पैर कर, खींचो ऊपर।
चल खींच ऊपर। उसको रेल लाइन में बनाते बनाते मेरे को चक्कर आ गए। जब यहाँ पर रुके थे टेम्परेचर 5 था, खड़े खड़े 3 डिग्री सेल्सियस हो गया, और मेरे को लग रहा है तांग लांगला पहुँचते पहुँचते 0 या -0 में चला जाएगा। स्नोफॉल भी तेज़ होती जा रही है। अभी मुझे ऐसा लग रहा है शायद ही किसी ने इससे ज़्यादा ख़राब मौसम में टांग लांगला क्रॉस किया होगा। स्नोफॉल बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई है। ये देखो, देख रहे हो पूरे बर्फ़ जम गई है आगे से। ये देखो बर्फ़ दिखी, मतलब ऐसा एक्सपीरियंस पहली बार ले रहा हूँ। एक बार पहले भी लिया था, गुरेज वैली में लिया था, लेकिन इतनी ज़्यादा स्नोफॉल नहीं थी। हमारे देखते ही देखते सामने के पहाड़ पूरे बर्फ़ से ढक गए हैं। मेरे आगे की विंडशील्ड देख रहे हो पूरी बर्फ़ से ढक चुकी है। टांग लांगला अभी भी 6 किलोमीटर बचा हुआ है। हे वी आर एट टांग लांगला। क्या बात है भाई, क्या बात है ऐसे मौसम में। बाइक रोकूंगा, 2-3 मिनट के लिए उतरूंगा। ओहो, आगे की लाइट देखो, पूरी बर्फ़ जम चुकी है इस पे, पूरी बर्फ़ जम चुकी है। मतलब गोप्रो ठीक है ना भाई, ऐसा नज़ारा मैंने लाइफ में पहली बार देख रहा हूँ। ओ भाई खतरनाक टेम्परेचर हो रहा है, 0 डिग्री सेल्सियस। बस निकलने का टाइम, ज़्यादा देर नहीं रुकेंगे, 2-3 मिनट ही रुका था। एक स्टोरी बना ली और फोटो तो मैंने खींची नहीं। चलो कोई बात नहीं, जान से बढ़कर नहीं है फोटो, निकलते अब। पूरे मेरे हेलमेट के वेदर में बर्फ़ ही बर्फ़ जमी हुई है, विंडशील्ड पे बर्फ़, पता नहीं कहाँ कहाँ बर्फ़ ही बर्फ़ हो गई है। अब जाके बादल साफ़ हुए हैं थोड़े बहुत, अब जाके जान में जान आई है। 60 डिग्री टेम्परेचर हो गया। आगे कोई शॉप देखते हैं। हाँ ये मिल गई सामने ही शॉप, बिकॉज सत्या पीछे रह गया, सत्या का यहाँ पर वेट करते हैं। पहले हमने सोचा था उमसी में रुकेंगे, लेकिन वो करीबन 30 किलोमीटर है, तो इतना आगे जाना सही नहीं है जब तक सत्या नहीं आता। यहाँ पर एक कॉफ़ी मारते हैं। 7 ऑलरेडी बज चुके हैं, और ले यहाँ से करीबन 90 किलोमीटर, ले 90 रह गया होगा ना। वाह 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 सलीम आजा, तेरे लिए आग जलवाई है भाई। तू वाला पट काट दिया। हाँ ये तुम्हारे ये आग मेरे बोलने पे जली है दोस्त, साले कमीने। सही बता रहा हूँ, ये लाइफ टाइम का एक्सपीरियंस है। मतलब इसको कह सकते हैं सबसे टफ पास। वैसे टफ नहीं है, वैसे इजी है, मतलब इससे भी टफ टफ करे हुए हैं, लेकिन टफ इसलिए हो गया स्नोफॉल हो रही है, बारिश हो रही है। मतलब मैं कह रहा हूँ वॉयजर के आगे पूरी बर्फ जम गई थी, दिख ही नहीं रहा कुछ, कुछ दिख ही नहीं रहा था, बादल इतने, बहुत बुरा हाल था। वैसे इजी है, वैसे कोई मुश्किल नहीं है। अभी आप वहीं से तो गए थे, कितनी देर पहले निकले थे? अभी मैं गया था वहां से 1 घंटे पहले। जब आप पांग में मिले हो तो तब तो नहीं थी स्नोफॉल, तब तो धूप थी। बताओ इसे कहते किस्मत, शायद हो सकता है भगवान ने ना कल हमें इसलिए आने नहीं दिया। लेह का बर्फ और बम्बई का फैशन कभी बदल सकता है। क्या बात है भाई, क्या बात है। आ गया सत्या, चीते आग लगी है, जल्दी जा, चीते जल्दी आ जा, तेरे लिए आग लगवाई है। समझ ही तो अंकल, ऐसा लग रहा तेरी बॉडी अकड़ गई है। बैठो, स्नोफॉल मिली थी तेरे को? आवाज नहीं निकल रही, रुक जाओ, आवाज नहीं निकल रही अभी भाई। सुन लो, गए अकड़ गए, अबे कुछ तो बोल, ये मौसम किसने उड़ाया। 7:38 पहले अपना प्लान था उपसी में रुकने का, बिकॉज उपसी में आते हैं नेटवर्क। हमने सोचा नेटवर्क आएंगे, घर पे फ़ोन वगैरह कर देंगे, ठीक ठाक पहुंच गए हैं। अब प्लान है सीधा ले मारेंगे, यहाँ से 80 किलोमीटर है, 1.5 घंटा लगेगा, लगा लो 9 बजे तक पहुंच जाएंगे। बस यही देखना बाकी रह गया था, बारिश भी चालू हो गई है। आज हमने सब कुछ देख लिया, बारिश, स्नोफॉल, धूल, मिट्टी, वाटर क्रॉसिंग, ऑफ रोड, मतलब सब कुछ देख लिया आज की राइड में। आज की राइड कह सकते हैं कि पूरी कंप्लीट राइड है। और थोड़ी तेज़ होगी तो मेरे को रेन पैंट भी पहननी पड़ेगी। अभी मैंने रेन पैंट नहीं पहनी, खाली ऊपर का रेन कोट पहना हुआ है, देखते हैं तेज होती है कि नहीं होती। तो फाइनली हम लद्दाख पहुंच चुके हैं, और अभी टाइम हो रहा है 9:20, बस अपने होटल की ओर जा रहे हैं। यहाँ से 10 मिनट का रास्ता और है, जाएंगे डिनर करेंगे और सो जाएंगे। तो भाई आज की राइड बहुत ही ज्यादा बढ़िया भी कह सकते हैं, और एडवेंचरस भी कह सकते हैं। थकावट इतनी ज्यादा हो चुकी है, राइड तो आपने देखी ली कैसी हुई, स्नोफॉल मिला, वाटर क्रॉसिंग मिली, मिट्टी मिली, करकट मिला, सब मिला। तो क्या करें भाई, एंड कर दें? ठीक है भाई, आंखें भरी हुई हैं, ढक्कन में मार दे मुंह, ढक्कन ऐसे मुंह मार दे, सिर मार दे एंड करने के लिए हेड। तो ठीक है यार, आज की वीडियो अच्छी लगी हो यहाँ तक देख लिया, लाइक करें बिना बिल्कुल मत जाना। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं करा सब्सक्राइब, कमेंट करना, और जो मन करे वो करना। मेरे को सब्सक्राइब करना, इधर मैं सो रहा हूँ पर फिर भी सब्सक्राइब करके जाना, ठीक है? थैंक यू, चलो बाय बाय, बाय बाय। वाली जीत भले आ जाए मौत, अब हुआ कामयाब, ना बचा किसी का खौफ, अब शोहरत पाली, मैंने दौलत पाली, पापा की छाती चौड़ी के सामने टिकेगा कौन।